हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएमपी और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे एंटीनेटल एडवाइसेस के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता देते हैं एंटीनेटल एडवाइसेस क्या होती हैं। द एडवाइसेस बिफोर द डिलीवरी एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल एडवाइस। और एंटीनेटल के अलावा इंटरनेटल, पोस्टनेटल क्या होता है? इंटरनेटल क्या होता है? द टाइम ड्यूरिंग द डिलीवरी, डिलीवरी के समय का जो टाइम होता है उसको इंटरनेटल कहते हैं। एंड द टाइम आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद का जो समय होता है उसको पोस्टनेटल कहते हैं। पोस्टनेटल एडवाइसेस भी होती हैं जो बताई जाती हैं फीमेल्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को। वो क्या होती हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे, इसलिए जब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बात करेंगे एंटीनेटल एडवाइसेस के बारे में, क्या क्या होती हैं, तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि आप मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, मेन है, वुमेन है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप मेन है, वुमेन है, सभी को जानना जरूरी है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के एंटीनेटल डाइट। देखिए, जो डाइट होती है वो मेन रोल प्ले करती है फीमेल की हेल्थ में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो डाइट होनी चाहिए वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें जैसे कि दूध हो गया, फल सब्जियाँ और दालें, हरी सब्जियां हैं, और उसमें और भी जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, ये नॉन वेजिटेरियन, उसमें मीट हो गया, एग्स हो गए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए और हल्की होनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ऐसी डाइट होनी चाहिए। और जो भी फीमेल, जो भी लेडी डाइट ले रही हो उसको स्मॉल लेनी चाहिए और हैवी डाइट नहीं लेना है। एक बार में ही ज़्यादा खाना नहीं करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। स्मॉल डाइट ले, लेकिन फ्रीक्वेंट ले, बार बार ले, लेकिन कम डाइट ले, अच्छी डाइट ले, डाइट कम हो लेकिन अच्छी हो। एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब वो रेस्ट करे तो उसको डिस्टर्ब ना करे। स्लीप रात में तो उसको 8 घंटे सोने चाहिए और दिन में उसको 2 घंटे भी सो लेना चाहिए। एडवाइस रिगार्डिंग केयर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के जो, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट होते हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं और उनका कलर भी एनलार्ज होने लगता है, तो उसमें क्या ध्यान देना है? उसको ब्रा वियर करनी है, उसको ब्रा वियर करनी है, क्योंकि इनसे कुछ सीक्रेशन भी होता है कोलेस्ट्रम का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी आप क्लीनलीनेस रखें, इनको क्लीन रखें, और हो सके तो उसके अंदर पैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो उसको ऑब्जॉर्व कर लें। इसके अलावा एडवाइस रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, अब ब्रेस्ट फीड के अकॉर्डिंग क्या क्या सलाह देनी है? तो उसको 6 महीने तक बच्चे को अपने दूध पिलाना है, और इसके अलावा पानी भी नहीं पिलाना, कुछ भी नहीं पिलाना है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी बेबी टू हैव ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 मंथ। 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए सिवाय दूध के, माँ के दूध के। ओके, 6 महीने तक उसको दूध पिलाएं। और जो वजनी डिलीवरी होती है उसमें 1/2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर ही दूध उसको पिला देते हैं, और जो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा डिलीवरी होती है उसमें 1 घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के अंदर ही उसको दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट, आयरन एंड फोलिक एसिड। यदि महिला का HB लेवल 10% है या फिर 10% से ऊपर है तो उसको 100 दिन तक आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट लेते रहने चाहिए। और जो उसका डाइट है उसमें सब्जियाँ हैं, वाइटामिन सी रिच डाइट, मतलब जिसमें भी वाइटामिन सी होता है, लेमन है, आंवला है, ऑरेंज है, गुआवा है, इस प्रकार से जो भी जिसमें वाइटामिन सी होता है वो सब लेने चाहिए, जिससे कि उसको, क्योंकि वाइटामिन सी क्यों लेना चाहिए, वाइटामिन सी आयरन को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, इसलिए इन चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए। TT इम्यूनाइजेशन, टिटनेस टॉक्साइड का जो इंजेक्शन होता है, जो इम्यूनाइजेशन होता है, मदर एंड बेबी के दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए फर्स्ट जो होता है वो 16 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में देना चाहिए, और जो दूसरा TT है वो फर्स्ट के 4 वीक के बाद दूसरा इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए। नेक्स्ट है एडवाइस रिगार्डिंग क्लोथिंग, क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोथिंग का मतलब होता है कपड़े उसको कैसे पहनने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको तो पता ही होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कपड़े ढीले होने चाहिए, लूज होने चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए, और उसका जो ब्रा है वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, वेल फिटेड होना चाहिए, एंड जो उसका पैंटी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, उसके जो हील्स हैं, एड़ियां जो हैं, जो भी चप्पलें पहनती है, स्लीपर पहनती है, वो हाई हील्स वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, क्योंकि उसका पहली बात तो पेट बाहर निकला होता है, सेकेंडरी यदि वो
हाई हील्स पहन लेगी तो उसका कैसा पोजीशन कैसी हो जाएगी ऐसे। एंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और इससे उसकी हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे उसे बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसकी उसकी जो स्पाइन है वो भी इफेक्ट हो सकती है, इसलिए जोर पड़ेगा ना उस पर, इसलिए हाई हील्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट में बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। हाइजीन का भाई मेंटेनेंस जरूर करना है, चाहे आपका एनवायरनमेंट हो उसको भी मेंटेन रखना है क्लीन, एंड टीथ नेल्स टंग सभी को आपको क्लीन रखना है, स्पेशली जेनिटल एरिया उसको क्लीन रखना है, जो पेरिनल एरिया है क्लीन रखना है, क्योंकि इससे आप इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं, इससे आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आप अच्छे रहेंगे, क्योंकि इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आप इन्फेक्शन से भी दूर रहेंगे। एडवाइस रिगार्डिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के अकॉर्डिंग क्या आपको सलाह देनी है। देखो, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल भी अवॉइड करना है, करना ही नहीं है। यदि पेरिनियल टीयर्स हैं, यदि वहाँ पर लेसरेशन से या फिर वुंड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी अवॉइड करना है, प्रोहिबिट करना है सेक्स को। एडवाइस रिगार्डिंग स्मोकिंग एल्कोहल, क्योंकि सभी को पता है कि स्मोकिंग एल्कोहल आर इंजूरियस टू हेल्थ, सो यदि आप स्मोक करते हैं, एल्कोहल करते हैं, इंटेक करते हैं, तो वो भी उसकी हेल्थ को तो प्रभावित ही करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे ही, बेबी की हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेंगे। सो अवॉइड स्मोकिंग एल्कोहल। एडवाइस रिगार्डिंग यूज ऑफ ड्रग्स, देखो जब भी ड्रग्स लेना है तो डॉक्टर की सलाह से लेना है, जब भी आपको डॉक्टर से दवा लेनी है तो उसको बताना है कि आपको कितने वीक की प्रेगनेंसी, कितने महीने की प्रेगनेंसी है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको दवा देगा। सो उसके परमिशन के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कॉमन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको कैसे अवॉइड करना, इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, रिच फाइबर डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेने और सब्जियां लेनी है। रिच फाइबर डाइट का क्या मतलब होता है, जो भी सैलड्स मतलब सलाद वगैरह हैं और फल वगैरह हैं, जितने भी चीज़ें हैं फल में और सलाद हैं, इनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, और फ्रूट्स लेते रहने, वाटर है, जूसेस वगैरह हैं, इनको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है, एंड सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करनी है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एडवाइस रिगार्डिंग ट्रैवल, ट्रैवल के अकॉर्डिंग क्या सलाह देनी है। पहली बात तो पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला तीन महीना, थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट के तीन महीने, इनमें आपको ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना, जैसे कि लॉन्ग ट्रैवल एरोप्लेन वगैरह और इनसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक बैठना हो सकता है, इसलिए आपको अवॉइड करना है। और फर्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको झटके लग सकते हैं, जर्क लग सकते हैं, और इससे कि अबॉर्शन के होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए अवॉइड करें ट्रैवल को भी। एडवाइस रिगार्डिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि ब्रीदिंग हो गए, वॉकिंग हो गए, और कीगल एक्सरसाइज होती हैं, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आगे बात करते हैं, और जब भी बैठें तो क्रॉस लेगेड ना बैठें, ऐसे क्रॉस लेगेड नहीं बैठना है, सुपाइन पोजीशन में बैठना है, बैठना है तो स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी बैक, और आपकी लेग्स जो ऐसे नहीं होनी चाहिए। जनरल एडवाइस इसमें हम क्या बताएंगे, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, एंड क्यों आपको खुश रहना है, जैसे आप हेल्दी तो आपका बच्चा हेल्दी। दूसरी बात, आपको स्पिरिचुअल रहना है, आध्यात्म से जुड़ना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, क्योंकि जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसा आप अपनी कानों से सुनेंगे, बोलेंगे, वैसे ही आपके बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए गंदी चीज़ें नहीं सुननी बोलनी है, अच्छी चीज़ों का सेवन करना है, अच्छी चीज़ों को बोलना है, अच्छी चीज़ों का सर्वर करना है, अच्छी चीज़ें बोलनी है। फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो भी डॉक्टर इंस्ट्रक्शन बताता है उनको फॉलो करो, एंड जितने भी विजिट होते हैं, चार विजिट होते हैं, इतने आपको विजिट्स करनी है, ये आपको विजिट्स करनी है इस टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट एडवाइस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में तो जरूर बताना है, ये पहली बार प्रेग्नेंट है, प्राइमरी ग्रेविडा है, पहली बार जन्म दे रहे बच्चे को, तब क्या बताना है, पहला बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे में 3 साल का गैप रखे, और ये दूसरा बच्चा कर रहे तो उसको ये बताना है कि दूसरा बच्चा होने के बाद परमानेंट मेथड वो यूज़ कर सकती है, जैसे कि ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी, मतलब ट्यूबेक्टमी मेल फीमेल्स में आ जाती है और वैसेक्टमी मेल्स में आ जाती है, परमानेंट मेथड होते हैं कंट्रासेप्शन के, तो इनको अप्लाई करें, इनको वो करवा ले,
क्योंकि बच्चे दो हों या एक, फिर आगे लगा दो ब्रेक, हम दो, हमारे दो, इस प्रकार से नॉर्म बनाई गई हैं, इनको बताना है और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताना है। और यदि आप ज़्यादा बच्चे करेंगे तो आपकी फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरे कंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरे देश में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब चीज़ों के बारे में बताना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जाओ और देखो उस वीडियो को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड आई BMP फ्रॉम BMP नर्सिंग क्लासेस सपोर्ट योर ड्रीम्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर द बेस्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।